हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लकी क्रिएशंस। आजकल काफ़ी दिन से लॉकडाउन चल रहा था, अभी रिसेंटली लॉकडाउन ओवर हुआ है और अभी भी पूरी तरीके से चीज़ें ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की शादियां चल रही थी काफ़ी टाइम से, तीन तीन चार चार महीने लोगों ने इंतज़ार किया और अब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोगों को अपनी शादियाँ करनी पड़ रही हैं। जैसे सिर्फ 50 लोगों को ही आप बुला सकते हैं शादी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो लोगों को लहंगे या गाउन लुक औरतें मोस्टली लड़कियाँ ख़रीदना चाहती हैं कि कोई अच्छा सा गाउन मिल जाए हमें, और बहुत ज़्यादा बड़ा ओकेजन भी नहीं है, बिल्कुल 50 लोगों में शादियाँ करनी है, तो लोग चाहते हैं कि ना इतना भी ज़्यादा एक्सपेंस ना हो और प्लस चीज़ें ड्रेसी अच्छी सी भी दिखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंज में एक गाउन लेकर आई हूँ, जिसे आप अगर आप चाहें तो आप कन्वर्ट करके लहंगा भी बना सकते हैं। ये सेमी स्टिच एक गाउन का पीस है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये गाउन मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क से भरा हुआ ये गाउन है और ब्लू कलर का गाउन है। ये बहुत ही बड़ा सा घेरा है इसका, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड गाउन है ये। प्राइस मुझे ये मिला है 799 रुपीज़ में। जी हाँ, बिल्कुल सही, 800 रुपये में मैंने ये गाउन ख़रीदा है। और ये जो है इस पर आप देख सकते हैं, ये गाउन के ऊपर पूरी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, ठीक है। और घेरा काफ़ी अच्छा है इसका, 2.5 मीटर का घेरा है और काफ़ी खूबसूरत सा गाउन है ये। और ये इसका जो है इसका ये ब्लाउज एरिया आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सेमी स्टिच्ड मैंने आपको बताया कि ये मिलेगा, तो ये साइड से इसमें स्टिचिंग किया हुआ है और ये आपको सिर्फ साइड से अपने हिसाब से आपको इसको स्टिच करवाना होगा। और इसका ये नेक लाइन डिज़ाइन बना हुआ है, ये आपको यहाँ से कट करके अपना नेक लाइन बनवाना होगा। और मैंने आपको जैसे बताया था कि ये गाउन है जो कि आप अगर चाहें तो आप इसको लहंगा भी बना सकते हैं। तो अब लहंगा आप कैसे बना पाएंगे इसको, तो ये जो है इसके बीच में ये पार्टीशन सा दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको बीच से कट करवा कर आप आधा लहंगा नीचे का और ये गाउन, ये टॉप, ये ब्लाउज सॉरी, तो आप इसको एज अ ब्लाउज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फुल स्लीव है इसका, स्लीव्स पे भी आप देख सकते हैं ये वर्क किया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे, और ये दोनों स्लीव्स में वर्क है। लेकिन हाँ, इसके बैक साइड में ये बिल्कुल ही प्लेन है, कोई डिज़ाइन नहीं है। कपड़ा जो है इसका ये सिल्क फैब्रिक है और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। मुझे लगता है जिस प्राइस में मिल रहा है मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा 800 रुपये में। और कपड़ा सॉफ्ट है, बिल्कुल कहीं से भी चुभने वाला कपड़ा नहीं है। और बाकी आपको मैंने दिखाया एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है इसका, काफ़ी ही फिनिशिंग अच्छी है एम्ब्रॉयडरी वर्क की, ऐसा नहीं है कि कहीं से ये चुभने वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क है या थ्रेड्स बाहर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, वर्क काफ़ी अच्छा है इसका। और आप इसका घेरा भी देख सकते हैं कि इसका घेरा काफ़ी अच्छा है, पूरे 2.5 मीटर का घेरा है इसका। और ये जो है इसके नीचे लाइनिंग नहीं लगाई हुई है, लेकिन हाँ ये जो इसके बैक साइड का जो वर्क है वो थ्रेड वर्क ऐसा है, ये आपको कहीं से भी चुभेगा नहीं, तो आप इसको बिना लाइनिंग के भी पहन सकते हैं। कपड़ा काफ़ी थिक है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके नीचे लाइनिंग लगवानी ही पड़े। अगर आप इसके नीचे कैनकेन स्कर्ट लगवाना चाहते हैं कि थोड़ा फ्लेयर अच्छा आ जाए, तो आप इसके नीचे कैनकेन स्कर्ट लगा के इसको पहन सकते हैं। तो बिल्कुल ही 2.5 मीटर का घेरा है इसका, काफ़ी अच्छा फ्लेयर वाला गाउन है ये। और ये जो है ये मुझे लगता है कि अप टू 44 बस साइज तक ये आ जाना चाहिए। मुझे लगता है ये काफ़ी ही चौड़ा है, जैसे कि आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है ये, तो ये मैक्सिमम 44 बस साइज तक आ जाएगा, एक्सेल डबल एक्सेल तक को आ जाएगा ये इजीली। और लंबाई भी इसकी काफ़ी अच्छी है,
अगर आप आपकी हाइट 5'4" 5'5" के लगभग है और आपने फिर भी हील डाली हुई है तो भी ये फ्लोर लेंथ तक आएगा इजीली। तो लंबाई में भी ये गाउन काफी अच्छा है, आप अपने हिसाब से इसको स्टिच करवा सकते हैं। इनकेस अगर आप लहंगा बनवाना चाहते हैं तो आप इसका लहंगा भी बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल गाउन के तरह से ही पहनना है तो आप इसको गाउन बनवा के भी पहन सकते हैं। और अच्छा है, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड गाउन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है कपड़े की, और 800 रुपये में है तो वैसे भी इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे नहीं लगता अभी इससे सस्ता मैंने कुछ अभी ऑनलाइन देखा था, अभी रिसेंटली मेरी नज़र गई इस पर तो मुझे लगा कि एक बार मैं मंगवा कर चेक करती हूँ कि क्वालिटी कैसी है और फैब्रिक कैसा है, पहनने लायक है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें फ़ोटो में देखने को कुछ मिलता है और आने पर कुछ और ही होता है वो, बट ऐसा नहीं है। और अभी मैंने इसको स्टिच नहीं कराया है तो मैं आपको पहन के तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दूंगी ताकि आपको देख के पता लग सके कि ये गाउन पहनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। और बाकी जो ऑनलाइन फ़ोटो अवेलेबल थी वो गाउन की ही थी, इसको किसी ने लहंगा बनाकर तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि शायद पहना है, नहीं तो सेलर ने ये फ़ोटो लगाई होती। तो आप ये जस्ट ए साइज सजेशन, अगर आप इसको इस तरीके से लहंगा बना के पहनना चाहते हैं तो आप लहंगा भी बना सकते हैं। और ये बैक साइड से प्लेन होगा और आगे की तरफ से फुली एम्ब्रॉयडर्ड गाउन है और अच्छी क्वालिटी का गाउन है ये, ठीक है। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल पूछने होंगे, कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें बताना भूल जाती हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप ये बताना भूल गए हो और ये आप मेंशन कर दो तो मैं उस हिसाब से चीज़ें मेंशन कर दूंगी। और ये गाउन, एक चीज़ और, इस गाउन के साथ ये दुपट्टा भी मिला है, तो ये दुपट्टा नेट का दुपट्टा है और दुपट्टे की क्वालिटी मीडियम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दुपट्टा, बहुत अच्छी क्वालिटी का नेट नहीं है, बट हाँ ये बहुत चुभने वाला भी नेट नहीं है, बिल्कुल वैसा मच्छरदानी जैसा भी नहीं है, सॉफ्ट क्वालिटी का नेट है। और लंबाई इसकी भी जो नॉर्मल 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है उससे थोड़ा सा कम है, चौड़ा है ये काफ़ी, बट लंबाई में मुझे नहीं लगता ये पूरा 2.5 मीटर के दुपट्टे जितना ही है, बट हाँ एज अ दुपट्टा आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसके साइड में ये लेस वाला बॉर्डर दिया हुआ है, गोल्डन कलर की लेस लगाई हुई है इस पर, और बस ये नॉर्मल मीडियम क्वालिटी का ये दुपट्टा मिला है इसके साथ। तो बेसिकली अगर आप इसको एज अ गाउन पहनना चाहते हैं तो कई बार लोग दुपट्टा कैरी नहीं करते हैं, तो आप इसको दुपट्टा आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपने इसका लहंगा बनवाया तो आप इसको एज अ दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये लहंगा जो मैंने बताया आपको कि एज अ ब्लाउज आप इसको स्टिच करवा लें और नीचे ये लहंगा हो गया आपका। और अगर इसमें आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें करानी हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैनकन स्कर्ट अमेजोन पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाते हैं, तो इनकेस अगर आपको इसको थोड़ा सा और फ्लेयर वाला लुक देना है तो आप इसमें कैनकन स्कर्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कैनकन स्कर्ट की लिंक चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए बस ये ही, मैं आपके लिए लेकर के आई थी एक अफोर्डेबल रेंज में एक गाउन जिसको कि आप लहंगे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको अगर और कोई हॉल वीडियोस देखने हैं, कुछ आपको फैशन सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मेरे चैनल के और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।